हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाला है इस साइकिल के साथ, जिसके साथ हम लोग गाइस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो जो दिमाग में आता है। बट गाइस आज की इस वीडियो में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने हैं इस साइकिल के साथ, गाइस अलग ही होने वाला है, क्योंकि गाइस इसके जो रिंग होते हैं गाइस दोनों है ना बराबर होते हैं डायमीटर के। बट गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले गाइस, इस आगे वाले रिंग को निकाल देंगे जो कि साइकिल के टायर हिसाब से वो सही रहता है। बट गाइस हम लोग ये छोटे रिंग को लगा देंगे गाइस इस साइकिल के अंदर, और गाइस ये है ना उसके मुकाबले आधा रिंग है पूरा, मतलब कि उसका डायमीटर इसका डायमीटर में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर गाइस इसका डायमीटर फर्क आएगा तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें नीचे हो जाएगी, बट गाइस रोड पर टच नहीं होगी, मतलब सर्फेस पर टच तो नहीं होगी। तो गाइस आज क्या करना है, हम लोग इस छोटे रिंग को आगे वाले रिंग में लगाने वाले, मतलब बड़ा रिंग निकाल देंगे और इसको लगाने वाले, गाइस चला के देखने वाले साइकिल कैसे चलेगी, और चलेगी तो कितनी नेक्स्ट लेवल वीडियो लगने वाला गाइस, क्योंकि साइकिल का मॉडल तो पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि गाइस छोटा रिंग लग जाएगा तो डाउन हो जाएगी साइकिल, तो बहुत जोरदार होने वाला है गाइस। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए मैं इसका रिंग निकालता हूँ, बड़ा वाला छोटा रिंग लगाता है और चला के देखते हैं कैसा दिखता है साइकिल जब चलेगी। तो थोड़ा रिंग लगा दिया गाइस, अभी साइकिल गाइस उल्टी है तो इसने खास नहीं दिखे, बट गाइस इसको मैं सीधा करता हूँ उससे भी ज़्यादा खास दिखेगी आपको। तो गाइस देख सकते हैं अब साइकिल को मैंने सीधी कर दी, कैसे दिख रही है गाइस, कितनी खतरनाक लग रही है। पीछे वाला टायर उतना ही बड़ा है और आगे वाला रिंग छोटा होगा, बिना टायर ट्यूब के तो गाइस और भी चलाने में मज़ा आएगा, क्योंकि कहीं फंसेगी वगैरह जा फट हुए खाली प्रॉब्लम, बाकी फंसेगी नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि गाइस इतनी हल्की है निकाल लेंगे हम इजली। तो गाइस अब चलाने के बारे में, बाकी आप लोग देख सकते हैं कि साइकिल कैसी दिख रही है गाइस, बड़ी वाली रिंग पीछे और छोटी वाली रिंग आगे, बाकी सरफेस से ज़्यादा टच नहीं हो रहा गाइस, ये ऊपर ही तो हम चला सकते हैं इसको इजली। तो अभी चले इसको चलाते हैं और देखते हैं कि मज़ा कितना आता है इस चलाने में, चलिए मैं इसको चलाता हूँ। तो गाइस अभी हमारी साइकिल फाइनली चलने के लिए रेडी, तो गाइस हमारे पास यही थोड़ा सा ग्राउंड है तो यहीं भी हम लोग चलाते हैं, चलिए मैं चलाता हूँ, देखता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, चलती है आराम से। ठीक है चल रही है, टच भी नहीं हो रहा गाइस, मैं देख सकते एकदम अच्छी तरीके से साइकिल चल रही है। अभी मैं यहाँ से ना डायमीटर का रिंग दोनों साइड होता उतना ही इजली, ये भी आराम से चल रही है गाइस साइकिल। गाइस को मैं तेज भी भगा सकता हूँ, कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। देख सकते हैं गाइस पूरी रिंग अच्छी तरीके से चल रही है साइकिल, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है और ना टच हो रही है नीचे सरफेस पे, देख सकते हैं गाइस। गाइस देख सकते साइकिल की हाइट चेंज हो गई है, बट गाइस को ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा चलाने में, अच्छी तरीके चल रही है साइकिल और एकदम हर जगह चल रही थी, ऊपर खावड़े में भी अच्छी तरीके चल रही थी गाइस साइकिल। फाइनली मैंने साइकिल चला लिया गाइस, ग्राउंड के अंदर ही मैंने थोड़ा चला, बट गाइस बहुत नेक्स्ट लेवल चल रही थी साइकिल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, जैसा बड़ी रिंग होती अगर सेम डायमीटर की चल रही थी वैसे ही चल रही थी, मतलब क्योंकि टच नहीं होता ग्राउंड पे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता, अगर टच होता तो प्रॉब्लम आता। बट गाइस बहुत अच्छी तरीके से साइकिल चली थी, अगर आप लोग को ये एक्सपेरिमेंट करना होता है आप लोग भी ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा और क्रेजी, तो गाइस ये बहुत नेक्स्ट लेवल क्रेजी वाली एक्सपेरिमेंट हो जाएगी, क्योंकि गाइस छोटी रिंग और जब आप चलाएंगे सोसाइटी में कोई बाहर देखेगा तो आपको तो सीधा बोलेगा पागल वागल है, बाकी बहुत मज़ा आएगा, कोई दिक्कत। आप लोगों को कमेंट में बताएगा कि ये मॉडिफिकेशन साइकिल की कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।